अस्सलाम व्यूअर्स, सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे केराटिन ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स होते हैं। ये केराटिन मास्क है, इसका मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, प्राइस बताऊंगी और पूरी डिटेल के साथ मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि किस तरह यूज़ करना है, कब आपने यूज़ करना है, कितनी बार यूज़ करना है और किस तरह से आप इससे केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये केराटिन मास्क जो है, आप लोग देख सकते हैं इसकी पूरी डिटेल इस पर ऑलरेडी लिखी हुई है। सो ये जो है केराटिन मास्क स्कैल्प को भी अच्छा करता है, नरिश करता है, बालों को सॉफ्ट कर देता है और काफ़ी शाइनी बनाता है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं तो उनको भी रिपेयर करता है। तो आप देख सकते हैं ये हेयर केयर बैलेंस हेयर मास्क है, तो ये आप लोग एज अ हेयर केयर यूज़ कर सकते हैं और एज अ केराटिन के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट के तौर पे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। इसका जो है जार, इसके दो जार्स आते हैं, ये सबसे बड़ा वाला जार है, इससे एक छोटा जार भी आता है। ये बड़ा वाला जार जो है ये आपको 1200-1500 इस तरह की प्राइस में मिल जाएगा। इससे छोटा जो है वो 500-600 तक का आपको मिल जाएगा। ये बड़ा वाला अगर आप लेंगे तो आपका एक महीने में आराम से चल जाएगा। केराटिन ट्रीटमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने इस मास्क को लेना है और पूरे बालों में अच्छे तरीके से लगा लेना है, और लगाने के बाद आधे घंटे तक आप बालों को छोड़ देंगे, कवर कर देंगे पूरा कोई भी शावर कैप की मदद से, और उसके बाद आपने वॉश कर लेना है और आपने बालों को स्ट्रेट करेंगे, सिरम लगाएंगे और रिजल्ट देखेंगे बहुत अच्छा। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बाल बहुत डैमेज है और काफ़ी सॉफ्ट हो जाएं, तो नहाने के बाद यानी कि शैम्पू करने के बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे। करने के बाद आपने पूरे बालों में इसको लगाना है, 2 से 3 मिनट जो है मसाज करना है और बालों को वॉश कर लें, कंडीशनर करें। आप देखिए बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और बहुत इफ़ेक्टिव है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आई होप कि आपको अच्छी लगी वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।